Good morning, all of you. In today's part, we will discuss objective questions, but in these questions, you will not find any of the option. So the today's question will in the form of fill in the blanks, will be in the form of the true and false, and I will give you a statement without any option. तो आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसके नीचे ऑप्शन नहीं होंगी, यानी ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन होती है तो उससे आसानी हो जाती है आपके लिए कि आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन विच वन इज द करेक्ट वन, आप आराम से उसके ऊपर टिक कर सकते हैं। लेकिन अब हमने आज के सेट के अंदर कुछ ऐसा किया है कि आपके सामने क्वेश्चन आएंगे कुछ, लेकिन उनकी ऑप्शंस नहीं होंगी, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में होंगे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स की जगह जो ब्लैंक्स पोर्शन है आपको बताना है कि वहां पे क्या आंसर आना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सिंपल करके भी दे देंगे कि स्टेटमेंट होगी, आपको ये बताना है वेदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और द फॉल्स। सो दैट इज आवर टुडेज क्वेश्चंस पैटर्न। लेट स्टार्ट्स नाउ टुडेज लेक्चर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटम नंबर विच गवर्न्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। आपने बेटा पढ़े हैं जो क्वांटम नंबर्स, डिफरेंट टाइप के आपके क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे आप सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लास्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। बट आउट ऑफ दीज फोर डिफरेंट क्वांटम नंबर विच क्वांटम नंबर गवर्न्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, बताओ बेटा उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। सो दैट इज, मैंने अभी आपको हिंट भी दे दी थी, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, स्मॉल एल से, आंसर विल बी द एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप साथ के साथ बेटा सभी नोट डाउन करते रहना आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 18 जूल। The ionization energy of the Li2 positive in the ground state would be, वो कितनी होगी बताओ बेटा, शाबाश जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। आप बेसिक फार्मूला तो आप जानते ही हैं, एनर्जी का बेटा फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू -1312 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, इस तरीके से होता है बेटा। फिर आप इसको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, सो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द जूल पर मोल। वैल्यू दे रखी है बेटा यहाँ पे, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम है, उसके बीच में बेटा कौन होता है, सेंट्रल पार्ट इज द न्यूक्लियस, देयर आर डिफरेंट शेल, the configuration of the hydrogen is 1s1, so the electron is present in the first shell, now that electron is strongly attracted with the nucleus, now something energy is required to remove that electron, is electron ko remove karne ke liye, aur kahan pe chala jaye beta ye, bahar jo sabse bahar wali shell jise aap infinity kehte hain, to koi bhi electron aapke nucleus की पहुंच से दूर चला जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए, तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी, मींस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, अकेला एटम हो, गैसी स्टेट के अंदर हो, फिर उसके अंदर से आप कितनी एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो मीन्स जब आप यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे किसी भी और एटम की, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो हाइड्रोजन की तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी देखो यहाँ पे दे दी, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 18 जूल, लेकिन एक ही फैक्टर ही तो बेटा एक्स्ट्रा है यहाँ पे, दैट इज द जेड स्क्वेयर। तो मीन्स अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है बेटा किस चीज के लिए, फॉर द लिथियम Li2 पॉजिटिव आयन के लिए अगर आपको निकालनी है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है बेटा किस चीज की, That is the for the hydrogen atom, वो value बेटा कितनी given है, that is 2.18 multiplied by 10 raised to the power minus 18, इसको आप सिर्फ किससे multiply कर दे बेटा, only with the Z square, और unit वही रहेगी जो given थी, that is in the form of the joule. तो what is the atomic number for the lithium here?
फॉर द लिथियम द एटॉमिक नंबर इज 3, तो आप यहां पे 3 पुट कर देंगे बेटा, 3 3 9, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 18, तो आपके ऑप्शन में जहां पे आपको ये लिखा मिले 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय 9 या 9 को मल्टीप्लाई कर दे 2.18 से, तो आपका ये ऑप्शन जहां भी मिले आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। और ये जो फार्मूला है बेटा दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसीलिए हमने ये फार्मूला लगा दिया। आप जानते हैं कि Li2 पॉजिटिव है क्योंकि जो लिथियम है बेटा उसका एटॉमिक नंबर 3, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी दैट इज द 1s2 2s1, और यहां पे Li नहीं बेटा, यहां पे Li2 पॉजिटिव आयन दे रखा है। फॉर द 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट, सो द कॉन्फिगरेशन विल बी 1s1, मींस दैट इज आल्सो द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो Li2 पॉजिटिव आयन भी बेटा कैसा सिस्टम है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये जो एनर्जी का फार्मूला है दैट इज गिवन बाय द बोहर साइंटिस्ट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट इज एप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द बफर कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स कंजुगेट बेस इज मैक्सिमम व्हेन, आपने बेटा फार्मूला पढ़ा है कि pH इज इक्वल टू pKa, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड, सो दैट इज द बेसिक फार्मूला। और आप ये जानते बेटा जब अभी हमारा जैसे क्वेश्चन था बफर कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, देखो आपके पास मान लीजिए बेटा कोई कंटेनर है उसके अंदर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ध्यान देना बेटा जो मैं कह रहा हूं आपको, कोई सॉल्यूशन है उसकी कोई पर्टिकुलर बेटा पीएच तो जरूर होगी, कुछ भी आप एज्यूम कर ले, मान लीजिए उसकी पीएच बेटा 2 है। फिर हमने क्या किया, अगर आप इसमें बाहर से थोड़ा सा एसिड डाल देंगे देयर पीएच गेट चेंज, अगर आप इसमें बेटा बाहर से थोड़ा बेस डाल देंगे देयर पीएच विल चेंज, पीएच चेंज हो जाएगी सॉल्यूशन की। लेकिन आपने क्या किया, बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जिसे आप बफर कहते हैं, एसिड और बेस को डालने से पहले आपने बफर डाल दिया, तो आपने जब बफर डाला बेटा इसी सॉल्यूशन के अंदर बेटा नंबर 1 आपने क्या लिया, कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच 2 है, नंबर 2 आपने उसमें बेटा क्या डाला, बफर डाल दिया। इफ नाउ यू विल ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड और द स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेस, लेकिन ये ध्यान रखना आप एक्सेस में नहीं डाल सकते, आप डालेंगे स्मॉल अमाउंट के अंदर ही। तो जब आपने स्मॉल अमाउंट के अंदर एसिड और बेस अब डाला द पीएच रिमेन अनचेंज्ड, जो पीएच 2 थी बेटा दैट रिमेन 2, तो that type of solution is called as the buffer solution, that type of substance is called as the buffer. तो buffer कैसा substance है, buffer solution कैसा solution होता है, the substance or the solution which resist the change in the pH of the solution even after the addition of the small amount of the acid or the small amount of the base. तो means buffer आपने पहले डाला तो buffer खुद small amount of acid और small amount of base के साथ खुद react कर जाएगा, उसका असर इस solution के अंदर नहीं रहने देगा, आपके जो concentration है H positive ion की, क्योंकि acid डालेंगे तो बेटा क्या आएगा H positive ion, तो H positive ion को बेटा ये buffer consume कर जाएगा। अगर आपने बेटा बाहर से base डाल दिया तो means OH negative ion, तो उन OH negative ion को ये buffer consume कर जाएगा, means इस solution के अंदर जो concentration है H positive ion की वो unchanged रहेगी, concentration of OH negative ion unchanged रहेगी even after the addition of the small amount of acid or base. क्यों unchanged रही, क्योंकि जो बाहर से आपने acid means जो H positive ion डाले उनको कौन consume कर गया, buffer. आपने जो OH negative ion बाहर से डाले उनको कौन consume कर गया, buffer. means जो solution है उसके अंदर जितने पहले थे H positive ion या OH negative ion वो उतने ही रहेंगे, तो जिसकी वजह से pH क्या रही आपकी, unchanged. तो ऐसे substance को आप buffer कहते हैं। तो now what is the definition of buffer, the substance or the solution which resist the change of the pH of the solution even after the addition of the small amount of acid or the base is called as the buffer. अब हमारा question है buffer capacity of the solution containing the weak acid and the salt of its conjugate base is maximum when, कब वो maximum होगी बेटा, वो maximum सिर्फ तभी हो सकती है जब molar concentration of salt और molar concentration of acid आपकी equal हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर molar concentration of acid और आपकी salt की अगर equal होगी, both are equal, तो दोनों आपस में cancel, log 1 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, log 1 क्या होता है 0, and under that condition the pH is equal to the pKa. तो मींस उस वक्त आपकी जो बफर कैपेसिटी है उस सॉल्यूशन की बेटा क्या होगी, वो दैट विल बी द मैक्सिमम, वो बेटा उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। आगे बेटा बात समझ में।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट इन टाइट्रेशन ऑफ H2O3 टू नेगेटिव आयन अगेंस्ट द आयोडीन इज. देखो सबसे पहले बेटा आपको रिएक्शन का पता होना जरूरी है कि जब कभी भी सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 कि जब आप रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ, आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस के दौरान भी थायोसल्फेट का जब हम डिटेक्शन करते हैं, उसकी जब डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उसके दौरान भी ये टेस्ट हम आपको करवा चुके होते हैं. तो इसके दौरान बेटा कंपाउंड जो बनता है दैट इज द सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6 विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द NaI. अब आप इसमें देखें बेटा जो सल्फर है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले 2x-6+2=0. तो 2x=+4, तो x=+2. तो मींस जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहाँ पे +2 है. सिमिलरली जब आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा 4x-12+2=0. तो x की वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी यहाँ पे 4x=10. तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो x=5/2 2.5. ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा सल्फर की यहाँ पे +2.5. नाउ व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0.5. द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हियर इज 0.5. बट व्हाट इज द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द एटम which undergo the change in oxidation number. So that atom here is the sulfur जिसमें change हुआ है. Reactant side में वो sulfur atom कितने हैं? These are 2 in number. So 0.5 multiplied by 2, that is equal to 1. That is equal to 1. So the total change in oxidation number is 1. Now what is the formula of the equivalent weight? The equivalent weight of any of the substance during of the reaction is, the equivalent weight of Na2S2O3 is equal to the molecular mass, the molar mass of Na2S2O3 divided by the total change in oxidation number, and the total change in oxidation number is only 1. Or total change in oxidation number to beta ye kitna ho gaya, that is 1. Ye beta aapka 1 hai yahan pe. To kya hoga yahan pe, jo equivalent weight hai that is equal to the molar mass. तो ऐसे ऑप्शन में आपको लिखा मिल जाएगा. तो आंसर विल बी द मोलिकुलर मास. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2S2O3, Na2S2 लिखे बेटा यहां पे, Na2S2O3 इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास ऑफ द Na2S2O3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, MN एटम इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक एंड द KMnO4 विल बी, बताओ ये पैरामैग्नेटिक होगा या कैसा होगा? सबसे पहले आप ध्यान से देखें जो MN है इसका एटॉमिक नंबर बेटा 25. इसकी कॉन्केशन जब आप लिखते हैं कंप्लीट, देखो आपको ऐसे याद हमने करवा रखा है 25 के लास्ट में 5 है, सो दैट इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल विल बी द 5, और लास्ट में बेटा क्या होता है 4s2, क्योंकि आपने कॉन्फिगरेशन जनरल कॉन्केशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये आपने कैसे याद किया था, N-1d 0 to 10 ऐसे लिखते हैं बेटा आप, और NS2 0 to 2 यहाँ पे 1 to 10 आएगा बेटा, N-1d 1 to 10 NS 0 to 2. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में NS2 ही होता है विद सम एक्सेप्शंस है जैसे क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम, वो आप याद रख लेते हैं. तो मैगनीज में देखो 3d5 के आखिर में 5 है, तो बेटा हमने 3d5 कर दिया, 4s2 रहेगा ही. अब हम बात करते हैं KMnO4. KMnO4 के अंदर MN को X माने तो +7 +1=0. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MN इज प्लस बेटा सॉरी यहाँ पे 8 है, तो x=+7. 4 2 जो 8 होते हैं ना ऑक्सीजन के ऊपर बेटा, -2 चार्ज होता है 4 2 जो 8, तो x=+7. तो MN के ऊपर बेटा +7 अगर चार्ज है तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज बेटा इससे पहले देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे इनर जो कॉन्गेशन होती है दैट इज ऑफ आर्गन, क्योंकि 18 है, 18 और 7 25, तो नाउ द कॉन्गेशन इज ऑफ आर्गन, क्योंकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन कोई रहा नहीं, 3d0 4s0, क्योंकि MN प्लस 7 है तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जो सब्सटेंस होगा KMnO4 दैट इज डायमैग्नेटिक. तो आंसर जब ऑप्शन में आपका आएगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो आप किस पे टिक करेंगे? आप डायमैग्नेटिक पे टिक करेंगे. तो MN जो अकेला एटम है दैट इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, वो तो स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है. क्यों है पैरामैग्नेटिक? आप डी में देखें बेटा ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा वहां पे, देखो 1 2 3 4 एंड द 5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना. लेकिन MN+7 KMnO4 के अंदर MN इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट
where there is no unpaired electron, so it is the strongly paramagnetic. तो वो strongly paramagnetic होगा या diamagnetic? बताओ बेटा शाबाश, diamagnetic. तो KMnO4 जो है, that is a diamagnetic substance. तो ये बेटा आपका होगा diamagnetic. और जबकि अकेला Mn बेटा क्या था? That is paramagnetic. Now the next question. The angular momentum of an electron in a Bohr orbit is represented by Bohr's postulate. बेटा आपने पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था जो angular momentum होता है, that is equal to L. और वो आपने किसके इक्वल लिखा था? एन एच अपॉन टू पाई. ये हमने डिराइव भी करवाया था बेटा आपको कि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल. देखो एन, एन इज एन इंटीजर, एन को इंटीजर होता है बेटा, वन टू थ्री फोर ऐसे करके. तो एन इज द इंटीग्रल, एन के साथ बेटा मल्टीप्लाई का देखो यहाँ पे साइन है, तो एन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई, ऐसा आपने बेटा याद किया था. सो दैट इज द बोहर्स पोस्टुलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, a manufacturing process in which ammonia, a manufacturing process in which ammonia is oxidized by sodium hypochlorite in dilute aqueous solution to give, batao beta kya dega, jaldi se batao shabas, jaldi se bataye. To ye jo compound beta yahan pe milega, that will be the kya milega, a manufacturing process, process ka naam bhi batana hai. Process here is the racing process beta, r-a-c-h-i-z. अब आप सोचे बेटा, देखो मैंने इतनी हिंट आपको पहले ही दे दी, आर ए एस सी एच आई जी, आर ए एस, एस भी है बेटा बीच में, आर ए एस सी एच आई जी, रैचिंग प्रोसेस. तो ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड, एन ए ओ सी एल है बेटा, और अमोनिया आपने डाल दिया बेटा, देखो अमोनिया के साथ, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड इन डायल्यूट एक्वस सोल्यूशन, इन डायल्यूट एक्वस सोल्यूशन टू गिव, बताओ बेटा क्या बनेगा. बड़ी बेसिक रिएक्शन है, तो इसके दौरान बेटा आपने पढ़ रखा है एक नॉन रिएक्शन है, इसके दौरान हाइड्रोजन बनेगा, दैट इज द NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. सो प्रोसेस इज द रैचिंग प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट दैट दस फॉर्म्ड हियर इज द हाइड्रोजन, फॉर्मूला इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. द नेक्स्ट कंपाउंड इज द क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट कंटेनिंग द लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप हैविंग द डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज. देखो बेटा वैसे तो आप इन्हें कहते हैं, आपके डिटर्जेंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, लेकिन ये जो डिटर्जेंट है ये कौन से हो गए? आपके कैटायनिक डिटर्जेंट्स, क्योंकि ये क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट है. बिकॉज हेयर इज द पॉजिटिव पार्ट विच शोज द क्लींजिंग एक्शन, विच गेट इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन. अगर आपका जो पॉजिटिव पार्ट है किसी कंपाउंड का, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए इन द क्लींजिंग एक्शन, तो उसे आप कैटायनिक डिटर्जेंट्स कहते हैं. लेकिन आमतौर पर आपने देखा था जो सोप होते हैं, चाहे वो हार्ड सोप हो चाहे वो सॉफ्ट सोप हो, उनके फॉर्मूला आपने पढ़ा था, द सोडियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो ऐसे लंबी चेन है बेटा, देखो आपकी कार्बन एटम की, और उसके एक एंड के ऊपर COO नेगेटिव और NA पॉजिटिव, देखो दैट इज द सोप. तो इसमें जो क्लींजिंग एक्शन दिखाता है, दैट इज द बेटा देखो ये नेगेटिव पार्ट. लेकिन जो अमोनियम सॉल्ट है, क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, जो डिटर्जेंट है, इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है विच गेट इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज द इनवर्ट सोप. तो बेटा आप इसे इन्वर्ट कहते हैं, मींस काम तो सोप जैसा दिखा दिया, क्लींजिंग एक्शन ये करेंगे, लेकिन जो सोप होता है जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा, सो दैट इज द पार्ट विच गेट इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन. तो क्लींजिंग एक्शन के अंदर बेटा ये पार्ट आपका इन्वॉल्व होता है, दैट इज द नेगेटिव पार्ट. और जो अमोनियम सोल्ट है, क्वॉटरनरी अमोनियम सोल्ट, जिसमें देखो एक नाइट्रोजन होगा, उसके फोर देखो बॉन्ड है आपके इस टाइप से, नाइट्रोजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, कोई काउंटर आयन भी होगा, वो क्लोराइड आयन हो सकता है, वो ब्रोमाइड आयन हो सकता है, और यहाँ पे जो पार्ट लगे कार्बन एटम की, देखो ये चेन है यहाँ पे, देखो इस टाइप से क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया बेटा इस टाइप से. तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट है, इसमें जो ये पॉजिटिव पार्ट है बेटा, देखो ये वाला पार्ट, दैट गेट इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन. और जबकि सोप के अंदर जो पार्ट इन्वॉल्व होता है, सोप के अंदर वो कैसा होता है, दैट इज द नेगेटिव पार्ट. सोप के अंदर नेगेटिव पार्ट क्लींजिंग एक्शन में बेटा इन्वॉल्व होता है, तो ये इन्वर्ट हो गया ना, सोप से इन्वर्ट है, सो इट इज कॉल्ड एज द इन्वर्ट सोप. फर्दर बिकॉज देयर सर्फेस एक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इनकी जो सर्फेस एक्टिविटी है वो किसकी वजह से होती है बेटा, ड्यू टू द पॉजिटिव आयन, जैसे अभी हमने आपको बताया, तो यहां पे आप पॉजिटिव आयन लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग का मतलब होता है बेटा क्लीन करना, साफ कर देना, उसे उसका ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं. तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द SO2 इज ड्यू टू, बताओ किस वजह से होगा, due to their reduction in presence of, किसकी presence में बेटा, in presence of the moisture, while, तो इसका बेटा क्या होगा यहाँ पे, आप reduction लिखेंगे,
is due to the reduction in pages of the moistness. Moistness means water. ये moistness लिखती हमने moisture. While the dry bleaching is done by, बताओ किसके द्वारा होता है? That is by the ozone. क्लियर हो गया बेटा? ये कुछ चीजें क्रेमिंग की होती है, लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछी जा सकती हैं, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, द काइंड ऑफ द डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व, द काइंड ऑफ द डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग द सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज, बताओ बेटा क्या कहते हैं उसे? उसे आप कहते हैं बेटा हाइपर कंजुगेशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बेटा क्या? हाइपर कंजुगेशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हाइपर कंजुगेशन. आपने कई बार देखो, ऐसा आपने देखा होगा ना कि हम ये पूछते हैं आपसे कि बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा मान लीजिए CH3 ग्रुप हमने अटैच कर दिया. देखो इस स्टेप से ये बेंजीन रिंग है. हम ये पूछेंगे CH3 का कैसा इफेक्ट है, तो हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है. किस वजह से है? हम इसका प्लस आर इफेक्ट भी कहते थे, लेकिन मोर करेक्टली अगर हम कहें तो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो इफेक्ट है दैट इज ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन. क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की एक बेटा कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है? आप इस कार्बन को देखें, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्यों? क्योंकि इस ध्यान से देखें, वन सिग्मा बॉन्ड, सेकंड, थर्ड सिग्मा, एक तो पाई हो गया ना बेटा, तो थ्री सिग्मा मींस sp2. व्हेन ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज अटैच्ड विद ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एक sp3 से अटैच हो और उस sp3 के ऊपर कम से कम एक एच जरूर हो, एक एच जरूर हो, तो हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस बेटा चल जाती है. तो कंडीशन पूरी हो गई, हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस चलेगी और आपके इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बेटा? डीलोकलाइजेशन हो जाएगी. जैसे आपने काफी एक्सप्लेनेशन दी है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, आपने हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन किया है. फ्री रेडिकल की जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फ्री रेडिकल की जब स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन करते हैं तो भी आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं. सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारा द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कार्बन आयन. जो कार्बन आयन होता है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप बेटा कैसी होती है, बताओ बेटा शाबाश कैसी होती है? देयर शेप इज, देखो स्ट्रक्चर हम पहले आपके सामने बना देते हैं ताकि उसके बाद आप जवाब दे पाए. देखो कार्बन, देखो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का एक किसी और का. किसी और का आ गया तभी तो ये आपका लोन पेयर बन जाएगा, देखो, और ये 1, 2, 3 आपके बॉन्ड्स बन गए यहाँ पे. नाउ द शेप इज पिरामिडल. शेप बेटा कैसी हो गई? पिरामिडल अमोनिया टाइप की होगी ना शेप, जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर. So that shape is pyramidal. तो आप यहाँ पे बेटा लिखेंगे the geometrical shape is pyramidal. And that of the carbocation, देखो एक कार्बन है उसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है और ये 3 बॉन्ड्स बन गए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बेटा. बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा यहाँ पे. सो द शेप इज, बताओ जल्दी से बताओ कैसी हो जाएगी? दैट इज अ प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर भी आप इसे कह सकते हैं. सिंपली कई बार प्लेनर भी बोल देते हैं, लेकिन मोर करेक्ट इज द ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर. इसके बाद बेटा आप क्वेश्चन पूछाएंगे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में. तो जो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन होंगे इनके बड़े ध्यान से सोच समझ के आप इसके जवाब देंगे. द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के बेटा मिरर इमेज नहीं है, क्या आप उन्हें डायस्टीरियोमर्स कह सकते हैं? बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से जवाब दें आप उन्हें. दोबारा से देखो, रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना. द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर मे बी कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स. आप उन्हें डायस्टीरियोमर्स कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब है ये, आप उन्हें डायस्टीरियोमर्स ही कहते हैं. सो ऑप्शन इज करेक्ट. देखो डायस्टीरियोमर्स बेटा कैसे कंपाउंड थे, देखो ऐसे कंपाउंड थे. हम आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दे दें. मान लीजिए आपके पास ये हमने CH3 लिखा, नेक्स्ट एक कायरल कार्बन एटम, उसके बाद एक और कायरल कार्बन एटम ले लिया, फिर हमने कोई एक और अलग से ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे बेटा हमने एक साइड में मान लीजिए H लगा दिया, यहाँ पे हमने OH लगा दिया, यहाँ पे हमने H लगा दिया बेटा, यहाँ पे हमने OH लगा दिया. क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या है, हमने इसके सामने क्या किया बेटा, एक कंपाउंड और हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया इसके बिल्कुल सामने ही. डायस्टीरियोमर्स बेटा कैसे कंपाउंड होते हैं? डायस्टीरियोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके जो एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं. तो अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या वो एक दूसरे की सुपरइम्पोजिबल होगी? नो, दे विल नॉट बी सुपरइम्पोजिबल, वो नॉन सुपरइम्पोजिबल होंगे. दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं बनाते. इसके अंदर कायरल कार्बन एटम है, देखो ये दो दो कायरल कार्बन एटम यहां पर हो गए और आपके दोनों कायरल कार्बन एटम एक जैसे भी नहीं है, उनका नेचर भी अलग है, क्योंकि एक एंड के ऊपर CH3 है, दूसरे पे C2H5 है, इसलिए एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाएंगे. वो मिरर इमेज आप आगे ड्रा कर सकते हैं. इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर.
कि सबसे ज्यादा एसिडिटी टर्शरी अल्कोहल की, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी अल्कोहल है, तो क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है बेटा, जल्दी से बताएं। देखो अब बेटा ये सभी जानते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एच पॉजिटिव आयन लॉस कर दे, और एच पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद बेटा वो स्टेबल हो जाए। ये पहले वाला अल्कोहल बेटा प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि वो कार्बन जिसपे ओ एच इसके ऊपर एक ही आर है। सेकेंड वाला सेकेंडरी अल्कोहल क्योंकि वो कार्बन जिसपे ओ एच उसके ऊपर दो दो आर ग्रुप है, दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट वो कार्बन जिसपे ओ एच उस कार्बन के ऊपर बेटा थ्री थ्री आर ग्रुप है, सो दैट इज द टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास अल्कोहल है, हमें ये देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिटी किसकी है, विच इज मोर एसिडिक। तो इन सभी में से बेटा H पॉजिटिव आयन देखो जब लॉस होगा, सभी से हम लॉस कर दें क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके पास अट्रैक्ट करेगा, तो जो स्पीसी बेटा आगे बनेगी H पॉजिटिव देखो लॉस करने के बाद, जो ऑक्सो एनायन आपका बन जाएगा देखो O नेगेटिव बन गया। सिमिलरली सेकेंडरी एल्कोहल से जो बनेगा देखो C, ये R, देखो ये O नेगेटिव आ गया बेटा इसके ऊपर। नेक्स्ट अब देखेंगे प्राइमरी एल्कोहल के अंदर ये आर सी एस टू, ये O नेगेटिव हमने कर दिया। तो एसिड कौन होगा? एसिड इज द सब्सटेंस, बोलो कैसे सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस व्हिच गेट व्हिच कैन लॉस द एच एटम इज द एच पॉजिटिव आयन, वो तो सभी ने लॉस कर दिया एंड गेट स्टेबलाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब ये बताओ जो थ्री स्ट्रक्चर बन गई 1 2 एंड द 3, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में? स्टेबिलिटी का मतलब अब चार्ज बेटा कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो। लेकिन आपने देखा सभी के अंदर प्लस आई इफेक्ट वाले आर ग्रुप लगे हुए हैं, आपके प्राइमरी अल्कोहल से जो बना इसके अंदर देखिए प्लस आई इफेक्ट वाला एक ग्रुप, तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को रोकेंगे। देखो डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, डिस्पर्सल का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से अब किसी दूसरे एटम की तरफ चला जाए, लेकिन यहां पे तो ऑपोजिट हो रहा है। ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप क्या कर रहा है, अपने प्लस आई इफेक्ट से ये अपने इलेक्ट्रॉन ही ओ की तरफ दे रहा है यहां पे, तो मिस ओ का नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल रुक गया। डिस्पर्सल का मतलब होता है उस नेगेटिव चार्ज का किसी दूसरे एटम के ऊपर चले ही जाना, यहाँ पे नहीं जा पाएगा क्योंकि जो आर ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, वो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को रोक रहा है क्योंकि वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन ओ की तरफ दे रहा है। और यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट वाले बेटा जो आर ग्रुप है, दीज आर टू इन नंबर, तो द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज फर्दर गेट रिस्ट्रिक्टेड। और अगर आप टर्शियरी अल्कोहल से जो आपका बना स्ट्रक्चर नंबर वन जो बनी, वहां पे तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बिल्कुल ही रुक जाएगा क्योंकि वहां पे बेटा थ्री थ्री प्लस आई इफेक्ट वाले आर ग्रुप हैं, वो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को बेटा और भी ज्यादा रोक देंगे। तो प्लस आई इफेक्ट वाले थ्री आर ग्रुप होने की वजह से द नेगेटिव चार्ज, द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम गेट रेस्ट्रिक्टेड टू द लार्जर एक्सटेंट। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल फिर भी रहा, मोस्ट स्टेबल इज स्ट्रक्चर नंबर थ्री, ये मोस्ट स्टेबल है बेटा आपका, जो प्राइमरी अल्कोहल से जो स्ट्रक्चर नंबर थ्री बनी दैट इज द मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था कि द एसिडिक स्ट्रेंथ मींस टर्शियरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, इज दैट करेक्ट? नो, इट इज रॉन्ग, सो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो दैट स्टेटमेंट इज बेटा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक होता है देन सेकेंडरी देन द टर्शियरी अल्कोहल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, the acetylation of the salicylic acid with acetic anhydride leads to the formation of the methyl salicylate. बताओ बेटा, is that correct or the wrong? जल्दी बताओ। Now that question very basic question, क्योंकि बेटा salicylic acid की structure तो आप जानते ही हैं। देखो benzene, benzene के ऊपर एक OH लगा दें, एक COOH group लगा दें, और जब आप इसकी acetic anhydride देखो, ये आपके acetic anhydride की structure है, acetylation होगी बेटा यहाँ पे। एसिटाइलेशन मींस वो यहां से होगी, देखो ये OH जो ग्रुप है यहाँ पे, देखो ये आपका ऑक्सीजन, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इधर से आप दिखा दें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर बेटा कहां पे दिए, देखो इस एटम के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, तो दैट इज द एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन हो जाएगी तो मिथाइल सेलिसिलेट बनेगा यहाँ पे बेटा, ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, देखो ये ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और ये COOH आपका SH रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ज्यादा एसिडिक बेटा कौन है, COOH, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसके अंदर तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल रहेगा, लेकिन जो कम एसिडिक पार्ट वो OH वाला पार्ट, तो उसी के लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आपके यहाँ पे अटैक के लिए, जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड के ऊपर अटैक करेगा, सो दैट इज द मिथाइल सेलिसिलेट बन जाएगा। तो बताओ बेटा, इज दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और द रॉन्ग? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर ये जो नेक्स्ट आपको दिया गया, जल्दी से जवाब बता दें। वैसे मैं बता चुका हूं आपको
आप जल्दी से बता दें क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत। आंसर आपके सामने है, एसिटाइलेशन ऑफ द सैलिसिलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मिथाइल सैलिसिलेट। क्या मिथाइल सैलिसिलेट है ये या कोई और है? जल्दी से, आईपैक नेमिंग तो बेटा आपने सीखी है ना, तो जल्दी से बता दे बेटा इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा। ये जो कंपाउंड बना है ना बेटा यहाँ पे, दैट इज द एस्पिरिन। ये एस्पिरिन है बेटा यहाँ पे, एस्पिरिन है, दैट इज द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है जो अभी मैंने आपको बताई, इसका आंसर बेटा करेक्ट या रॉन्ग, जल्दी बताओ। द आंसर इज रॉन्ग, आंसर इज रॉन्ग बिकॉज देयर नेम इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम बेटा एसिटाइल ग्रुप लगाया है यहाँ पे, देखो ये एसिटाइल ग्रुप लगाया, मिथाइल ग्रुप नहीं लगा इसके अंदर। COCH3 group is called as the acetyl group, so it is called as the acetyl salicylic acid, not the methyl salicylate. आप इसे methyl salicylate नहीं कहेंगे, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। Next question, the benzaldehyde on treatment with concentrated solution of the NaOH undergo a disproportionation reaction. देखो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे structure बना लेते हैं benzaldehyde की, हमने structure बना दिया आपके सामने। तो ये कार्बोनिल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन, इसके पास बेटा अल्फा कार्बन, लेकिन एच नहीं, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है इस पे, एक एसिटाइल्डिहाइड जिसके पास देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा एच एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, और मीडियम बेटा हम बेसिक कर दें। देखो आपने कंसंट्रेटेड NaOH ही डाला है यहाँ पे, सो द रिएक्शन विल बी द कैनिजेरो रिएक्शन। द कैनिजेरो रिएक्शन द वन ऑफ द, देखो टू मोल्स विल बी यूज्ड, इसके दो मोल यूज होंगे बेटा, तो एक मोल की तो बेटा रिडक्शन हो जाएगी। देखो इस स्टेप से, यहां से एक मोल की रिडक्शन होगी, और रिडक्शन होके यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा, एक एच ऊपर एक एच नीचे, तो बेटा क्या बन गया, दैट इज द CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। और जो दूसरा पार्ट है बेटा इसी का, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो बेटा यहां से, अब देखो ऑक्सीडेशन करके दिखाते हैं, रिडक्शन वाले पार्ट को देखो हम क्लीन कर दें यहां से। अब ऑक्सीडेशन देखो, यहां से ऑक्सीडेशन होगा इस पार्ट पे, बिकॉज देयर इज द वीक CH बॉन्ड, तो इसलिए दूसरा पार्ट आपका बेंजोइक एसिड बनेगा, लेकिन मीडियम बेसिक है इसलिए बेंजोइक एसिड बनते ही साथ इट गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट, तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। सो दीज टू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। आपने क्या देखा, आपके जो दो मोल है उनमें से एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरे का रिडक्शन हुआ है, और ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, द रिएक्शन इन विच द वन मोलिक्यूल इटसेल्फ अंडरगो द ऑक्सीडेशन एंड ऑल्सो अंडरगो द रिडक्शन, तो वो रिएक्शन आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाए और सेम मॉलिक्यूल का ही बेटा क्या हो जाए, रिडक्शन। सो दैट आंसर विल बी द ट्रू, तो ये आंसर बेटा ट्रू होगा, और मैंने आपको बता दिया रिएक्शन कैनिजेरो रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्फाल्ट इमल्सिफाइड इन वॉटर इज यूज फॉर बिल्डिंग रोड्स विदाउट नेसेसिटी ऑफ मेल्टिंग द एस्फाल्ट, इज दैट ट्रू और द फॉल्स, बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का जवाब। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये, वैसे तो थोड़ा क्रेमिंग का ही है, थोड़ा हमें याद रखना है, तो जल्दी से बताएं बेटा। सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है आपकी, कि जो एस्फाल्ट इमल्सिफाइड इन वाटर इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग रोड्स विदाउट नेसेसिटी ऑफ मेल्टिंग द एस्फाल्ट, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एट लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स The aggregation of the salt particles is known as flocculation, which can be reversed by shaking. बताओ ये true है या false? Surface chemistry में बेटा आपको पढ़ाया गया था, the surface chemistry आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से, बताओ शाबाश। जल्दी बताएंगे बेटा आप, बेटा यहां पे अगर हम हायर कंसेंट्रेशन ले लेते तो उस वक्त फिर प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर कोएगुलेशन हो जाती, तो यहां पे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 m एंड दैट ऑफ बी इज 55.5 m, the concentration of B changes to 55.49 m after completion of the reaction, the rate equation is given as rate is equal to K, molar concentration of A, molar concentration of B, is that correct? बताओ बेटा शाबाश जल्दी से बताएं,
बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द बी ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट. देखो 55.5 और यहां पे 55.49 मींस प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट. सो द रेट ऑफ द रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द बी. सो द रेट ऑफ द रिएक्शन शुड बी 1, दैट शुड बी द शुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. तो ये रिएक्शन बेटा कैसी होगी? शुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मीन्स मोलिक्यूल तो दो हैं, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट एक्चुअली डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द बी. सो दैट इज द शुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. तो ये जो हमने लिखा है रेट इज इक्वल टू के ए बी, दैट will be the wrong here. आप यहाँ पे B नहीं लिखेंगे, तो आपको क्या लिखना था? Rate is equal to K और molar concentration of A, A raised to the power 1. यहाँ पे तो हमने B की power of B 1 लिख दिया ना, so that is will be the false statement. तो ये answer जो हमने लिखा है, देखो ये वाला, that is false. तो correct क्या होगा? Rate is equal to K and molar concentration of A. Next question, for the equilibrium H2O liquid get converted into the H2O gas at 1 atmospheric pressure at the 25 degree Celsius, the standard free energy change is equal to 0. Batao beta, is that true or false? Jaldi se bataye. Kya ye statement theek hai ya galat? Jaldi bataye. Batao beta Shabas. Beta, aap is question mein dekhen, jo reaction hai in this question is spontaneous under the standard condition. Dekho humne likh rakha hai yahan pe, that is the standard free energy change, that is under the standard condition. Aur jo aapki standard free energy hoti hai, that is the delta G naught must be less than 0. Aur yahan pe beta 0 dikh rakha hai, so that is a false statement. Ye statement false hai. Strontium 90 from the radioactive fallout enters the bones of human beings through consumption of the milk and damage the bone marrow. Is that correct or wrong? Batao beta Shabaz, jaldi se. That is the true statement. That is the basic statement. Iska effect hai beta, strontium 90 ka, jo radioactive fallout enters into the bone of the human beings through consumption of the milk and damages the bone marrow. That is the true statement. Next question, the chlorobenzene on reaction with KCN easily give aromatic nitrile. क्या ये true है या false? जल्दी बताओ. बेटा that is the false statement. वो इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो chlorobenzene है, benzene ring के अंदर देखो double single double bond और जो ऊपर Cl है, Cl के पास बेटा 3 lone pairs. जो lone pair आपके किस में involved हो जाएंगे? resonance में. And due to that, there becomes the double bond character. There becomes the bond. कैसा character आ जाएगा बेटा यहाँ पे? Double bond character in between the C and Cl atom. So it cannot easily undergo the nucleophilic substitution reaction. तो यहाँ पे double bond character आने की वजह से जब आप KCN डालेंगे यहाँ पे, K positive, CN negative, तो जो CN है इस bond को easily break नहीं कर सकता कि carbon के ऊपर slight positive, Cl के ऊपर slight negative charge. लेकिन alkyl halide में reaction easily हो जाती, क्योंकि ये आपका एरोमेटिक हैलाइड है, तो इसीलिए इसके अंदर आपकी रिएक्शन नहीं चलेगी, इजीली नहीं चलेगी. सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन इज लिबरेटेड व्हेन केआई सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद ए सॉल्यूशन ऑफ FeSO4. जब बेटा आप केआई की रिएक्शन कर दें FeSO4 के साथ, क्या आयोडीन लिबरेट होगी या नहीं होगी? सो दैट इज द क्वेश्चन. तो ध्यान से देखें बेटा, के पॉजिटिव है, आई नेगेटिव, FeSO4 में Fe प्लस 2 स्टेट के अंदर है, ये माइनस 2 स्टेट. हम आगे ये कहते हैं कि आयोडीन लिबरेट होगी, मींस I2. तो क्या ये रिएक्शन चलेगी या नहीं चलेगी? बड़े ध्यान से देखें. देखो दो एजेंट है यहां पे, एक तो KI है, दूसरा FeSO4. आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, एक तो आपकी +2 एक +3, दो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ये शो कर सकता है. तो आप जल्दी से बताएं क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत, जल्दी से बताओ. बेटा इस रिएक्शन के चलने का मतलब है कि जो आई के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, अब वो चार्ज बेटा कैसा हो जाए? दैट इज द जीरो. देखो जीरो स्टेट है, मींस आई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करें और ये इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करे, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और इस इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर ले. लेकिन ऐसा होता नहीं,
क्योंकि Fe plus 2 जो है, FeSO4 जो है यहाँ पे जो plus 2 state के अंदर, it is not an oxidizing agent. ये oxidizing agent नहीं है कि electron gain कर ले, क्योंकि आप जानते हैं iron दो ही state दिखाता है, एक तो plus 2 और एक plus 3. तो यहाँ पे ये reducing agent का काम करेगा, means ये reaction नहीं चलेगी. लेकिन अगर हम इसी के अंदर बेटा copper sulfate डाल देते, देखो यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता तो आप जानते हैं ये प्लस टू स्टेट, तो यहाँ पे जो ये कॉपर है बेटा ये इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता था और ये आपके प्लस वन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. तो कॉपर सल्फेट अगर आप डालते KI के अंदर, द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस बिकॉज द CU प्लस टू कैन बी कन्वर्टेड इन टू द CU प्लस वन स्टेट, बट द Fe प्लस टू आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इन टू द Fe प्लस वन, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका Fe जो है आपका आयरन वो प्लस टू और प्लस थ्री दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो FeSO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है. इसलिए जो यहाँ पे रिएक्शन लिखी है कि I2 विल जनरेट, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ही गेन नहीं करेगा तो ये रिएक्शन भी नहीं चलेगी, I2 भी लिबरेट नहीं होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, मीन्स आयोडीन विल नॉट बी लिबरेटेड, आयोडीन लिबरेट नहीं होगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट ए कंबाइन विद बी टू गिव ए बी एंड विद सी, अगर सी के साथ रिएक्शन करें इट विल गिव ए टू सी. द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय बी एंड सी, इफ नाउ देयर अकर्स द रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी, द फॉर्मूला विल बी बी टू सी. तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, बी टू सी बनेगा या कुछ और बनेगा, तो ये चीज बेटा हमें यहां पे बतानी है. बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से सोच के बताओ. अब देखो बेटा, जब ए और बी के बीच रिएक्शन हुई तो क्या बना, ए बी. ये ए बी सिर्फ तभी बन सकता है व्हेन द चार्ज ऑन बोथ ऑफ ए एंड बी विल रिमेन सेम, दोनों का नेचर आपके एक जैसा हो, एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए एक ने गेन किए. पहले वाली स्पीसी ए है तो मान लीजिए उसके ऊपर प्लस वन चार्ज है, तो बी के ऊपर बेटा होना चाहिए माइनस वन, तभी आपका ए बी बनेगा. अगर ए के ऊपर प्लस टू है तो बी के ऊपर होना चाहिए बेटा माइनस टू, तभी बेटा ये आपका ए बी यहां पे बनेगा. प्लस थ्री तो दूसरे के ऊपर माइनस थ्री. अब इतनी बात आ गई बेटा आपको समझ में. उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर हम ये अज्यूम करके चले कि मान लीजिए ए बी बना और ए के ऊपर प्लस वन चार्ज है, तो अगर हम उसी बात को लेके चलेंगे ए टू सी बना यहां पे, तो ए के ऊपर बेटा आपका अगर प्लस वन चार्ज है तो ए तो बेटा टू हो गए, तो टू पॉजिटिव बन गया टोटल चार्ज, तो सी के ऊपर बेटा क्या बनेगा, उतना ही, क्योंकि कंपाउंड इज न्यूट्रल, चार्ज विल बी माइनस टू. तो अगर इसी बात को अगर हम ध्यान रखें, अब यहां पर अगर बी और सी के बीच अगर मान लीजिए रिएक्शन होती है बिना ये देखे कि इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव, वो तो डिपेंड करेगा दोनों के नेचर के ऊपर, बी और सी के ऊपर. लेकिन क्योंकि आंसर हमने दिया है बी टू सी, तो अगर बी और सी को ले लें तो बी के ऊपर बेटा देखो माइनस वन चार्ज, अगर हम ऊपर वाले बेसिस पे चले, अगर हम ये मान के चले कि प्लस वन प्लस माइनस वन चार्ज था, तो सी के ऊपर बेटा कितना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर होगा बेटा माइनस वन, तो इसके ऊपर बेटा प्लस वन होगा यहाँ पे. क्लियर हो गया, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिट चार्ज है और इसके ऊपर यूनिट टू चार्ज है, तो जिसकी वजह से बेटा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करेंगे इनके चार्ज को, तो बेटा क्या बन जाएगा, दैट विल बी द बी टू सी. तो जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो इसी टाइप से बनाते हैं, तो फार्मूला विल बी द बी टू सी, और बी टू सी इज गिवन हियर, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. तो स्टेटमेंट बेटा आपकी बिल्कुल ट्रू है ये. उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो इक्विवेलेंट वेट को क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द मोलर वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द कैटायन मल्टीप्लाइड बाय द वैलेंसी ऑफ द कैटायन. बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से सोचें और बताएं. ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था. अभी देखो इस चीज को समझने के लिए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल Na2SO4, अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो बेटा आप कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास आप कुछ ऐसे निकालेंगे कि इसका जो भी मोलर मास है, हमने कोई सोल्ट ही लिया आपके सामने इसी चीज को समझाने के लिए,
डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर. एन फैक्टर मीन्स आप ये जानते हैं कि जो फॉर एग्जांपल Na2SO4 है बेटा यहां पे, तो SO4 के ऊपर बेटा कितना चार्ज है -2, Na के ऊपर कितना होता है ग्रुप वन एलिमेंट है +1, तो +1 तो बेटा इस पे चार्ज हो गया, दैट इज द वैलेंसी ऑफ द देखो कैटायन, और मल्टीप्लाइड बाय देखो यहां पे 2 है क्योंकि मोल्स ऑफ द कैटायन बेटा कितने हैं ये 2, तो टोटल बेटा कितना हो गया 2, दैट इज द मोल ऑफ द कैटायन. देखो अगर हम यहां पे 2 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी कितनी है बेटा, दैट इज 1, और ऊपर क्या आएगा मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्ट, जैसे हमने M और Na2SO4 लिखा तो हम क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ द कैटायन बेटा 2 है मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी ऑफ द कैटायन दैट इज द 1. क्लियर हो गया बेटा? सो द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट आपकी बेटा क्या है बिल्कुल ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ कॉपर हैविंग फॉर्मूला CuO एंड Cu2O इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है. बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है. बताओ बेटा शाबाश जल्दी से. तो देखो बेटा इसकी जो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, देखो हमने अब दोनों कंपाउंड में देखे यहां पे एक CuO है और एक सेकेंड Cu2O है, तो CuO और Cu2O ये कैसे बने बेटा, ये ऐसे बने व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ द वन एलिमेंट, देखो ऑक्सीजन दोनों में एक ही है तो हमने एक ऑक्सीजन लिया. अब आगे देखो बेटा कंबाइन विद डिफरेंट मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, ये ऑक्सीजन यहां पे एक Cu के साथ कंबाइन किया तो CuO बन गया, यहां पे ये दो कॉपर के साथ कंबाइन किया तो बेटा क्या बन गया Cu2O. क्लियर हो गया? तो मींस व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ द वन एलिमेंट, ये वन एलिमेंट बेटा यहां पे कौन है दैट इज द ऑक्सीजन एटम, कंबाइन विद अ डिफरेंट मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट बेटा यहां पे कौन हो गया दैट इज द कॉपर, टू गिव टू और मोर कंपाउंड, जैसे अभी टू कंपाउंड हमें मिल गए, देन द रेशियो इन बिटवीन द सेवरल वेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट का बेटा वेट बताओ यहां पे कितने हैं बेटा, ये एक सिर्फ एक ही कॉपर है, इसमें बताओ बेटा कितने कॉपर हैं, हियर आर द टू कॉपर्स, तो मींस रेशियो क्या हुई होगी इनके वेट की दैट इज 1:2, रेशियो विल बी 1:2 जो इनके वेट की होगी, दैट विल बी द सिंपल व्होल नंबर रेशियो, वो एक सिंपल व्होल नंबर रेशियो होनी चाहिए, तो सिंपल व्होल नंबर रेशियो ही है बेटा यहां पे. सो जो ऊपर हमारी स्टेटमेंट थी द पेयर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द कॉपर हैविंग द फॉर्मूला CuO एंड द Cu2O इलस्ट्रेट द लॉ दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट बेटा यहां पे क्या है दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट भी लिख के हमने आपको समझा दी है. क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू लो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, बताओ बेटा इज दैट करेक्ट और रॉन्ग, जल्दी बताओ. वैसे आपने इनऑर्गेनिक में काफी बार पढ़ा है, पढ़ा है ना बेटा आपने, क्योंकि जो वाटर होता है, जो वाटर होता है बेटा उसके अंदर क्या होता है, देखो एक एच एचओ एच, फिर दोबारा से देखे बेटा ये एचओ एच आ गया, फिर से देखो बेटा ये HOH आ गया, मींस ये स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव चार्ज बेटा देखो इसी टाइप से, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाउ देयर बिकम्स द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द H एटम एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. देखो ये आप एक चीज ध्यान रखना, इस बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड मत बोल देना, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, That is the covalent bond which is formed by mutual sharing. लेकिन जो ये interaction है, that is the weak electrostatic force of attraction between the H atom and the more electronegative atom, that is the oxygen here, that is the hydrogen bond. Hydrogen bond ये different molecules के बीच बनी है, so that is the intermolecular hydrogen bonding. So due to that intermolecular hydrogen bonding between the water molecules, the more amount of heat is required to break it. अगर हम बेटा ये चाहे इसको boil कर दें, boil का मतलब बेटा क्या होता है? इसको vapor में convert करना. मान लीजिए इस water molecule को vapor state में पहुंचाना है. कैसे पहुंचाएं? हमें hydrogen bond को break करना होगा. देखो इस bond को break करना होगा, इस bond को भी break करना होगा. एक water molecule बेटा 4 hydrogen bond बनाता है. Equation और आपको साथ के साथ बता दे. देखो कैसे, इस क्वेश्चन का जवाब तो हो गया क्लियर कि द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू लो डिसोसिएशन कांस्टेंट. नो, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. ये आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था, तो बेटा इसकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है. एक क्वेश्चन और साथ के साथ आपको बता दें, देखो ये वी शेप की स्ट्रक्चर होती है, बेंड शेप स्ट्रक्चर होती है. ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव,
दूसरी साइड भी तो बेटा बॉन्ड है, तो स्लाइट नेगेटिव बेटा स्लाइट पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है यहां से एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ बेटा देखो एक H2O के साथ, देखो स्लाइट नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, यहां पे बेटा दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, देखो इस टाइप से। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर बेटा दो बार स्लाइट नेगेटिव चार्ज आया, तो इसलिए एक एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान रखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एक H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आगे जाके आता है कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज हायर देन HF इन स्पाइट ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा होना चाहिए लेकिन H2O का ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो बेटा यहाँ पे देखो इस वाटर को बॉयल करने के लिए, इस वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इस एक मॉलिक्यूल को आपको चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर, और वो जो बॉइलिंग पॉइंट हायर है इसका, दैट इज नॉट ड्यू टू द लो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो क्वेश्चन में ऊपर गिवन था, दैट इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से था। क्लियर हो गया बेटा? और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी थोड़ा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखो बेटा जो HF का केस था, देखो ये HF, ठीक है बेटा, फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑल दो एक जो आपका HF मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखेंगे आप, ये देखो नेक्स्ट HF मॉलिक्यूल हमने ले लिया बेटा, एक HF मॉलिक्यूल बेटा सिर्फ दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, देखो सिर्फ दो। क्लियर हो गया? तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान लीजिए बेटा 100 जूल एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए 100 जूल एनर्जी ही चाहिए, तो टोटल तो 200 जूल एनर्जी चाहिए, तभी तो ये एक HF का ये मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमने मान लिया कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर वाला, इट रिक्वायर्स ओनली 80 जूल बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा HF के केस में है और वाटर के केस में कम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर कम है। तो लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि 100 जूल चाहिए, लेकिन चार हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना बेटा 80 जूल, देखो इधर भी 80 जूल, देखो लेस हीट देनी पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल तो हीट बेटा 320 जूल हो गई ना, 80 80 80 80 320, फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी ब्रेक फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल इनटू द गैसियस वर इनटू द वेपर फेज, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज हायर, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। क्लियर हो गया बेटा? ओके बेटा, थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टाइम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लेके लिए लेके आएंगे। अब की बार हमने कुछ ये अलग एक्सपेरिमेंट आपके लिए किया ताकि आप कुछ ज्यादा सोच पाए, हमने आपको ऑप्शंस नहीं दिए। ओके बेटा, थैंक यू।